अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आई अनु। और आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ, जी हाँ, ऑन योर वेरी ऑन चैनल एंटरटेनमेंट पंच। और आज एंटरटेनमेंट पंच पे बनने जा रहा है मसाला राइस विद मंचूरियन। सो सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। सबसे पहले हम लोग मसाला राइस बनाएंगे और उसके बाद हम लोग मंचूरियन बनाएंगे। तो इसके अंदर हमें चाहिए बॉयल्ड राइस, एक अंडा, मिक्स वेजिटेबल्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट स्पाइसेस चाहिए होंगी, सॉसेस चाहिए होंगी हमें, हल्का सा एक चुटकी जो है वो जरदा रंग चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोग अंडा फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर एग जो हमने तैयार करना है उसके अंदर हम लोग एक एग अंडे को लेके फेंट लेंगे। उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट और ब्लैक पेपर जो है वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, आप इसके अंदर जो आपने जो राइस लेने हैं, बॉयल्ड राइस लेने हैं, मैंने जो बॉयल्ड राइस हैं क्योंकि मुझे ये बनाना था रात में, इसलिए मैंने इसको जो है वो राइस जो थे वो मैंने दोपहर में बॉयल कर लिए थे। अब जो राइस है वो आप कोशिश करें कि आप पहले बॉयल कर लें। अब मैंने उसे बॉयल करने के बाद उसे फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो थोड़े से ठहर जाए। उससे होता क्या है ठहरने से कि जब हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो आपका चावल टूटता नहीं है, वरना अदरवाइज़ चावल जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है जब आप उसमें बार बार चम्मच चलाते हैं। तो एक दफ़ा जब चावल ठहर जाता है तो आपने उसको जो है वो आपने उसके बाद चावल को जितना मर्जी आप चम्मच चलाएं, चावल टूटता नहीं है। अच्छा जी, अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल लेने के बाद मैं जो है वो इसको मिक्स कर लूँगी ऑयल में डालने के बाद। अच्छा, अगर ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको राइस में जो है वो एग कैसा पसंद है। अगर तो आपको बड़े चंक पसंद है तो वेल एंड गुड, आप बड़े चंक्स में इसी तरह यहीं स्टॉप कर लीजिए। और अगर नहीं, जिस तरह मुझे बड़े चंक्स पसंद नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको चम्मच की मदद से ही अच्छी तरह मैश कर लेती हूँ ताकि मुझे इसको मज़ीद जो है वो मुझे बड़े बड़े चंक्स क्योंकि पसंद नहीं है तो मुझे वो फिर आसानी रहती है कि मैं इसको जो राइस में ऐड करने के लिए। एक्चुअली ये मसाला राइस है तो मसाला राइस के अंदर जो हमें एक चीज़ रहती है कि जो हमें किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट ना करनी पड़े। ख़ासतौर पे आप इसको जब बच्चों को बनाकर देते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं है, कोई बिला वजह का मसाला इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया है, तो आप इसे बच्चों को जो है वो भी लंच में बनाकर दे सकती हैं। इस तरह चम्मच की मदद से आपने ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो आपने इसको अच्छा अच्छे तरीके से आपने इसे फ्राई करना है। अगर आपने इसे अच्छे तरीके से फ्राई नहीं किया तो जो अंडे का कच्चापन है या अंडे की जो एक टिपिकल स्मेल होती है वो आनी शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़, अगर आपने चंक्स बड़े रखने हैं, छोटे रखने हैं या जैसे भी आपने इसे रखना है, आपने इसके अंदर जो है वो इसको फ्राई अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, वरना आपके राइस सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे और उनके अंदर से अंडे की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सो इट्स किलिंग के मतलब आपके मील में से जो है वो एग की जो है वो स्मेल आनी शुरू हो जाए। चलिए, जब राइस प्रिपेयर करते हैं, राइस प्रिपेयर करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर मैंने जिंजर और गार्लिक डाला है। अच्छा, अगर आप गार्लिक देखें तो गार्लिक जो है वो बिल्कुल क्रश हुआ हुआ नहीं है, छोटे छोटे से मतलब बारीक कटा हुआ है। तो आप जिस मर्जी फॉर्म के अंदर जो है वो अदरक को यूज़ कर सकते हैं, कोई एज सच बाउंड नहीं है आप कि नहीं आपको स्पेसिफिक उसी फॉर्म के अंदर जो है वो आपने एग को यूज़ करना है। जब ये अच्छे तरीके से आपका अदरक और लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है वो हम लोग चिकन क्यूब जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको भी मैं रमज़ान की रेसिपी के अंदर ही ऐड करूँगी। रमज़ान की रेसिपीज़ जो हैं उस रमज़ान में ये बहुत लाइट फूड है, खाली मसाला राइस आप बनाइए और जब आप इसके अंदर पाइनएप्पल और रेड और वाइट बीन्स ऐड करेंगे, इसके अंदर कॉर्न ऐड करेंगे और चिकन ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत मतलब अच्छा और न्यूट्रिशियस मील आपका तैयार हो जाता है। सो वो लोग जो अवॉइड करते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, राइस नहीं खाते हैं, तो वो भी जो है वो ये रेसिपी जो है ये ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से इसलिए आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जब हम चावल बॉईल करते हैं तो चावलों की सारी स्टार्च जो होती है वो निकल जाती है, तो ये आपके लिए एक हेल्दी चीज़ है, आप इसे खा सकते हैं, ये आपको पतन मोटा नहीं करेगी। और इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं आपके, इसके अंदर वो विटामिन जो हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं। कनौर क्यूब है, वो चिकन से तैयार हुआ है तो ओबियसली इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, तो इसके अंदर स्पाइसेस ज़्यादा नहीं हैं। और अगर आप डिफरेंट और वेजिटेबल्स वगैरह इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो भी आपके पास एक अच्छा जो है वो पूरा मील जो है वो आपका तैयार हो जाएगा।
अच्छा जी, अब इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डलेंगी। वेजिटेबल्स के अंदर मैंने कैबेज ली है, कैरेट ली है, ग्रीन अनियंस लिए हैं और ग्रीन कैप्सिकम ली है। आप चाहें तो आप इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। इसमें से कोई एक आधी निकाल दें और कोई और इसके अंदर ऐड कर लें, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट कि आपको टेस्ट में या राइस के अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो आप इसको पसंद है। अच्छा, मैंने इसमें चिकन नहीं डाला क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन के लिए जो है वो ग्रेवी तैयार करनी थी, तो आप चाहें तो आप इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और बल्कि अगर आप चिकन को ऐड करना चाहते हैं तो आप चिकन को जितने का मसाला है वो एक दफ़ा लगा के और इसी सिचुएशन के अंदर साथ ही जब आपने लहसुन अदरक डालना है तो उस टाइम आप चिकन स्टॉक चिकन का जो क्यूब डाला है वो मत डालें, आप उसकी जगह चिकन डाल दें मैरिनेट हुआ हुआ, तो वो उसका टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके अंदर हम लोग थोड़े थोड़े करके राइस डालेंगे और राइस डालने के बाद हम लोग जो है वो इसे इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो इसको मिक्स करना है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका मिक्स करना, क्योंकि जब तक ये अच्छे तरीके से टॉस्ट नहीं होगा तब तक ये जो है वो आपको तमाम स्पाइसेस का टेस्ट नहीं देगा। तो चाइनीज़ के अंदर ये जो मिक्सिंग है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, और आप किस पैन के अंदर जो है वो कुकिंग कर रहे हैं ये भी चाइनीज़ बनाते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। इस वजह से अगर आपने देखा हो तो चाइनीज़ हमेशा जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी कुकिंग होती है वो योक साइज स्टाइल की जो कढ़ाई होती है, सिंपल गोल कढ़ाई नहीं, जो थोड़ी सी बेंड की तरफ होती है कढ़ाई, आप उस कढ़ाई के अंदर जो है वो आप चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर वो कुकिंग करते हैं, तो आप वो कढ़ाई इजीली मार्केट में मिल जाती है उस शेप की, आप वो लेकर तो आप उसको उसमें आप जो है वो कुकिंग आप कर सकते हैं उसके अंदर। जनरली चाइनीज उसी के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट्स वाले जो है वो बनाना प्रेफर करते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है तो समझ में नहीं आता बच्चों को। अच्छा जी, इस सिचुएशन अब मैं इसमें हरा प्याज जो मैंने अंडा बनाया था वो और 3 हरी मिर्चें बारीक छोटे बहुत छोटे साइज़ की थी बारीक कटी हुई वो मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। इसको समझ में नहीं आता बच्चों को गर्मियों में क्या चीज़ लंच में बना कर दें, तो ये एक बड़ा अच्छा मील है बच्चों के लिए। बच्चों के पास स्कूल में टाइम होता है कि बस कुछ ऐसी चीज़ हो जो हम फटाफट खा लें और उसके बाद हम लोग खेलें, तो बच्चों की जो लंच की रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह हम पूरे का पूरा वीक करेंगे उसके ऊपर। मैं आपके साथ सैंडविचेज़ और रोल्स जो हैं वो शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप एक हेल्दी मील या एक हेल्दी डाइट जो है वो आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे जो हैं वो उसको इंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में ही बेशक कर लूँगी क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों का रोज़ा तो होता नहीं, तो मदर्स के लिए होता है कि कुछ ऐसा हो कि बस सुबह उठें फटाफट उसको असेंबल करें और असेंबल करके बच्चों को लंच दे दें, क्योंकि ओबियसली खातून खाना ने सहरी तैयार करनी होती है, फिर अफ्तारी के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो फटाफट जो है वो असेंबल करके जो है बच्चों को दे दिए जा सकें। पहले ही होता था कि रमज़ान जो है वो पिछले 2 सालों से वेकेशंस के अंदर आ रहा था, एक दफ़ा कोविड में आ गया फिर वेकेशंस में चल रहा था, तो वो मतलब कंफर्टेबल रहती थी मदर्स, लेकिन अब इस बार फुल वर्किंग डेज़ के अंदर रमज़ान आ रहा है तो इसलिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो मदर्स रात में थोड़ा बहुत काम प्रिपेयर कर लें और सुबह उठ के सिर्फ उसे असेंबल करें। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर सोया सॉस सिस्टम डाली है, इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाली है, इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है और इसके अंदर मैं अब डालूंगी ब्लैक पेपर, और इसको जो है वो अच्छे तरीके से अगेन एक दफ़ा दोबारा हमने इसको अच्छे तरीके से टॉस कर लेना है, अगेन मिक्स 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 एंड मिक्स, क्योंकि इसमें मिक्सिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसके अंदर मिक्सिंग है। जितनी अच्छी इसकी मिक्स, अब आप ये देखें कि एक चावल का दाना भी नहीं टूट रहा, इसलिए नहीं टूट रहा कि मैंने चावल बनाने के बाद कम से कम तीन घंटे चावल मेरे फ्रीज़र में पड़े रहे हैं, जिसकी वजह से वो पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं आठर जाना, यानी कि चावल ठहर जाते हैं, उसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाता है और लॉक्ड हो जाता है और चावल जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप ये देखें कि आप जब कभी किसी रेस्टोरेंट में आपका जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो अब जो अगर ओपन चिकन किचन वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर वो फ्रीज़र से ही राइस निकाल रहे होते हैं, क्योंकि चावल को बॉईल करने के बाद वो फैला देते हैं और फैलाने के बाद उसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। लीजिए जी, आपके राइस प्रिपेयर हो गए हैं, अब हम जाएंगे मंचूरियन की तरफ। सबसे पहले मंचूरियन के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ जो ब्रेस्ट पीस है उसके क्यूब्स लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चिली फ्लेक्स हैं, कैचअप का 1 कप है,
चिकन क्यूब कनौर क्यूब है चिकन का, लेमन जूस है, इसमें मैंने हनी लिया है, इसके अंदर मैंने ससमे ऑयल लिया है, सॉसेज हैं और स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर है, कोई तीसरी स्पाइस नहीं, और एक ग्लास पानी है। अच्छा जी, अब आप हैरान होंगे कि जी मंचूरियन के अंदर पानी क्या कर रहा है। मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन स्टॉक ऐड नहीं किया है। अगर आप इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करेंगे तो फिर आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, और अगर आप चिकन क्यूब डाल रहे हैं तो फिर आपने उसकी ग्रेवी को मेंटेन करने के लिए आपने इसके अंदर पानी डालना है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अब मैंने जो आपने जितने भी चाइनीज़ रेसिपीज़ देखेंगी रेस्टोरेंट्स की या टीवी वगैरह के ऊपर, मैं गलत किसी को नहीं कह रही, लेकिन उन तमाम रेसिपीज़ के अंदर कोई सॉस भी बनती है तो उसको थिकनेस देने के लिए उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है। कॉर्नफ्लोर ऐड करना ज़रूरी नहीं है। अब मतलब मैंने रेसिपी बनाई थी और कम से कम 30 मिनट्स जो है ये ग्रेवी जो है ये बहुत दम वाली आग के ऊपर चूल्हे के ऊपर पड़ी रही, और चिकन स्टॉक की वजह से ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर गाढ़ापन आ गया। मैंने इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, आप कॉर्नफ्लोर डाल के उसी वक्त गाढ़ा कर लें और इसको सर्व कर दें। अगर आपके मेहमानों के आने के टाइम है और आपने ग्रेवी तैयार कर ली है तो आप इसे हल्की आग पर पड़ा रहने दें। अगर तो आपकी गेस्ट के आने तक ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थिकनेस इसके अंदर आ जाती है तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे थिकनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, और मुझे वैसे भी कॉर्नफ्लोर का वो जो एक टिपिकल टेस्ट एक कच्चापन आता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं अपनी ग्रेवीज में बहुत हद तक अवॉइड करती हूँ। जब तक कि मुझे जल्दी ना हो मैं जो ग्रेवी में कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करती। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ये जैसे चिकन का कलर बदला है तो मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब कनौर का जो एक मैंने राइस में डाला था, एक डब्बी के अंदर से दो पीसेस निकलते हैं, एक मैंने राइस में डाला था और दूसरा मैं जो है वो ग्रेवी के अंदर डाल रही हूँ। मैंने चिकन कर लिया, अब इसके अंदर मैं चिकन क्यूब डालूंगी, उसे मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से, और फिर मैंने इसके अंदर एक ग्लास पानी डाल दिया। वही अब भाई देखें वो एक ग्लास पानी इस सिचुएशन का डला हुआ है और एंड तक जो है वो पानी जो है वो इसी तरह, अगर आप चिकन स्टॉक डालेंगे तो उसके उस सिचुएशन के अंदर भी ऐसे ही होगा कि ये अगर आप डालेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली चिकन स्टॉक का टेस्ट और पानी डाल के जो स्टॉक है उसके अंदर दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो फ़र्क होता है। तो इसलिए आप जो हैं वो अच्छा चिकन स्टॉक अगर आप डाल रहे हैं या चिकन क्यूब डाल रहे हैं, मैंने स्टार्ट के अंदर भी कहा था सॉल्ट और ब्लैक पेपर सॉल्ट और चिलीज़ का आपने ध्यान रखना है। चाइनीज़ बनाते हुए हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत ये होती है कि हम चाइनीज़ के अंदर जो स्पाइसेस और सॉल्ट है हम उसे बाद में बैलेंस कर सकते हैं। इसे हमारी टिपिकल हांडियों की तरह मसाला हमने भूनना नहीं होता क्योंकि हमने इसमें कच्ची मिर्चें नहीं डालनी होती, और इसके अंदर वैसे भी स्पाइसेस बहुत से तरीकों से ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस डल सकती है, चिली सॉस डल सकती है, चिली फ्लेक्स डल सकते हैं, ग्रीन चिलीज डल सकती हैं, तो हमें कोई ऐसी स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं होती कि जिसकी वजह से हमें इसे गलाना पड़े। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पहले स्टार्टिंग के अंदर सॉल्ट और चिली इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को कम रखना है, और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बन जाए आपके पास आप चेक कर लें तो उसके हिसाब से तो फिर आप इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस अप एंड डाउन कर सकते हैं। फिर इसमें ब्लैक पेपर भी डल सकती है, तो ब्लैक पेपर को भी आपको जो है वो लाल मिर्च की तरह भूनना नहीं पड़ता है। तो इसलिए चाइनीज़ के अंदर सॉसेस के अंदर भी सॉल्ट होता है, अगर आप चिकन स्टॉक यूज़ कर रही हैं, कनौर का क्यूब यूज़ कर रही हैं, उसके अंदर भी सॉल्ट मौजूद है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सॉसेज ऐड किए हैं, सॉसेज के अंदर मैंने सोया सॉस लिया है, चिली सॉस ली है, और मैंने इसके अंदर सिरका लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं एक कप जो है वो केचप का ऐड करूंगी, और फिर उसके बाद इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, मंचूरियन की ग्रेवी को ना आपने टेस्ट कर लेना है, और अपने टेस्ट बट के अकॉर्डिंगली आपने इसके अंदर जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? कुछ लोगों को स्पाइस जो मंचूरियन होता है वो तीखा पसंद होता है, और कुछ लोगों को ये स्वीट एंड सॉर यानी मीठा टेस्ट भी आए और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी आए। अब मेरी मुझे क्योंकि ये स्वीट एंड सॉर पसंद है तो मैंने इसके अंदर जो है वो स्वीटनेस के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हनी डाला था, और सॉर टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें सिरका और मैंने दो लेमन का रस डाला है। दो लेमन का रस उस सूरत के अंदर डाला है क्योंकि वो इतनी जूसी लेमन नहीं थे। अगर आपका लेमन जूसेस हैं मतलब उसमें जूस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसको एक लेमन भी जो है वो आपका इनफ है, वन लेमन इज इनफ, आप एक लेमन जो है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है, और उसके बाद मैंने इसको हल्की आग के ऊपर रख दिया था कि ये अपने ही पानी के अंदर जो है वो सारी चिकन स्टॉक जो है वो इसके अंदर जो है वो गाढ़ी होती चली गई, और मैंने इसके अंदर जो है वो सिर्फ ब्लैक
पेपर जो है वो एक ऐड की थी, मैंने इसमें सॉल्ट टेस्ट कर लिया था, मुझे सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं स्पाइस को लेवल को बैलेंस करने के लिए। ये अब लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जो है वो मैंने ब्लैक पेपर जो है वो ऐड की थी। मैंने इसमें सॉल्ट चेक कर लिया था, सॉल्ट की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी, टेस्ट वाइज बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे अगर आप कुकिंग करते हुए ध्यान के अंदर रखें तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत परफेक्ट बनती है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप पका भी रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुली बना लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली को पसंद होगा और आप पसंद आएगा, और आपकी चीज़ वेस्ट भी नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपके साथ जैसे जैसे रमज़ान की वीडियोस बीच बीच में आ रही हैं, मैं आपके साथ जो शेयर करती जा रही हूँ तो मैं आपको साथ बताती जा रही हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस चाहिए हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जो है रमज़ान के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये रेसिपीज़ मौजूद हैं, और आप वहाँ से जाकर ये वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो अब ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एंटरटेनमेंट पंच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।